दिल्ली गैंगरेप का एक महीना, अब भी सजा से दूर अपराधी। कितनी बदली दिल्ली पुलिस? मैंने यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं देखा है। हमारी भी लड़कियाँ दोस्त है, हमें दिखता है उनको कैसा महसूस होता है, उनकी शक्ल पे दिखता है कितनी डरी रहती है आजकल। पुलिस कभी नहीं दिखती है, बस कुछ दिनों से यहाँ PCR वैन एक राउंड लगा जाती है। कितने बदले दिल्ली के लोग, जिसके लिए हम 22 तारीख से लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों को, जाके मेट्रो में, कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल में, क्रिकेट मैच के ग्राउंड में जाके बोला, चिल्ला के बोला, आए वो तो आप दिमाग तो खोलो अपना, सोचो। हमारी मेंटालिटी इतनी ज्यादा जम चुकी है, वो जहाँ पर थी आज से हजारों साल पहले वहीं रह चुकी है, हम बदलाव ला ही नहीं पा रहे। जो डेली हाइट है वो आ नहीं रहे हैं यार, आप सो रहे हो, आप जग जाओ, हम आपके लिए खड़े हैं। और कितनी बदली सोच, वी आर सो मच इनटू आवर सेल्फ कि हम एक अपने एथिक्स ही नहीं रहे हमें किसी को हेल्प करने के, हम हमेशा किसी और के साथ हुए, मेरे साथ नहीं हो सकता। सो एक मेंटेलिटी है सानू की। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा उस 16 दिसंबर को हुए हादसे की, वो हादसा जिसने पूरे देश को हिला दिया, वो हादसा जिसके बाद महिला शोषण सुरक्षा के लिए देश भर में आवाजें उठी। आज आंकलन इस एक महीने में जमीनी स्तर पर क्या बदलाव है उसका। अगले 10 दिन में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS वर्मा की रिपोर्ट आ जाएगी। इस 3 सदस्यीय कमेटी को रेप के कानून को सशक्त बनाने के सुझाव देने हैं। खुद इन्हें लगभग 60,000 सुझाव मिल चुके हैं। खुद गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव मीना कुमारी मीना इस बात की जांच कर रही हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम स्टाफ से उस दिन क्या क्या गलतियां हुई। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट जज उषा मेहरा के तहत भी कमीशन बिठाई हुई है जो गैंग रेप के दोषियों और खामियों को 3 महीने के अंदर तय करेगी। ये रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी। महिला सुरक्षा पर इसे 18 जनवरी तक सुझाव भी दिए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी अपनी गलतियों की जांच कर रही है। दूसरी तरफ इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के लचर रवैये पर फटकार लगाई, साथ ही कमिश्नर पर कार्रवाई का सवाल भी उठाया है। सवाल दोषियों पर फैसले का भी उठ रहा है। रेप के मामले 2, 7, 10 दिन में भी सजा सुनाई गई है, तो फिर इस केस में इतनी देरी क्यों लग रही है? रेप के मामलों में 7 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। 2012 में 672 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2005 में 609 थे। तो सवाल है कि इस एक महीने में महिला सुरक्षा को लेकर जमीन पर क्या बदला? सवाल ये भी कि ये मामला अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचा है? सवाल ये भी कि पुलिस सरकार के कई वायदे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए हैं? तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ जगमती सांगवान उपाध्यक्ष आइडवा स्टूडियो में मौजूद हैं। अरिजीत रॉय NGO जागरण के निदेशक हैं, जिसे दिल्ली पुलिस की मुहिम परिवर्तन में शामिल किया गया। अमन सिन्हा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मौजूद हैं। कविता कृष्णन सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, और अजय चौधरी हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर पुलिस जुड़ेंगे कुछ देर में, उनको फिलहाल एक मीटिंग में वो उपस्थित हैं और इसलिए उनको देरी हो रही है। जगमती जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। 16 तारीख का मामला जो हुआ उसके बाद से अब एक महीना हो गया है, आकलन करने का शायद समय कि अब तक जमीन पर क्या बदला, आप स्थिति को कैसे देख रही हैं? देखिए, एज सोशल एक्टिविस्ट और इस केस के साथ और हरियाणा में भी जो 42 केसेस जो गैंगरेप के हुए उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, हम उस अनुभव को अगर आधार बनाएं तो जुडिशियल प्रोसेस एक जगह पे है, लेकिन जिन मामलों में बिल्कुल इमीडिएटली कुछ सजा दे के बहुत सख्त संदेश दिए जा सकते थे नीचे तक कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो चुका है ये, उस पहलू के हिसाब से मतलब थोड़ा हमें निराशाजनक लगता है। आप ये देखिए कि 16 तारीख की घटना को ही अगर केंद्र में रखें तो 3 चेक पोस्ट थे जहां पे वो बस गुजरी, वो बस जो है वो रोड पे होनी नहीं चाहिए थी उस तरह से। उसके बाद भी जो अपराधी थे वो पहले से भी एक जगह पे घटना कर चुके थे और वहां पे कंप्लेंट भी करवाई जा चुकी थी, वो जो पर्सन कंसर्न था जिसके साथ उन्होंने लूटपाट की घटना की थी। तो इन तीनों चारों पहलुओं के हिसाब से भी अगर ये देखें कि कितनी मतलब पनिश किया गया या कितनी जवाबदेही मतलब फिक्स हुई,
उसमें ये स्थिति निकल के आती है कि केवल दो जो हैं पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनका सस्पेंशन हुआ है, दो को शो कॉज नोटिस हुआ है, लेकिन बाकी लोग जो जिनकी जवाबदेही बनती है इसके अंदर समेत वो स्कूल, वो बस, वो ट्रांसपोर्टेशन के अधिकारी और यहाँ के जो बड़े आला अधिकारी हैं, तीन चेक पोस्ट को मतलब क्रॉस करना एक को हो सकता है। हाईकोर्ट ने पुलिस की फटकार भी लगाई कि आपने अपने तमाम जो अफसर या जो अधिकारी जुड़े हुए थे उनका नाम क्यों नहीं लिया है। कविता, आप भी जब से ये पूरी मुहिम शुरू हुई आप एक चेहरा सामने आई वकालत करती हुई महिलाओं की सुरक्षा की, उनके शोषण का जो होता रहा है, आप कैसे देख रही हैं, एक महीने में क्या बदला या कुछ नहीं बदला? देखिए, मैं तो मानती हूं कि बदला तो इतना है कि लोग इसके बारे में बोल रहे हैं और सड़कों पर हैं और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कि अच्छी बात है। लेकिन जहां तक जिस चीज को बदलने की जरूरत है, जो पूरी व्यवस्था है, पूरा जो सरकार का रवैया, सरकार अभी भी प्रदर्शनकारियों को भीड़ कह रही है। पवन बंसल अभी भी बोले हैं भीड़ तंत्र है, हम भीड़ से क्यों बात करें। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस कह रही है कि हम लोग ज्यूरिसडिक्शन के मामलों में नहीं जाएंगे, पुलिस कह रही है कि हम लोग ये कर देंगे, ये एफआईआर वगैरह तुरंत दर्ज करेंगे और पीसीआर वगैरह चला दिए हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन अगर आप सचमुच देखते हैं पुलिस के रवैये को, मैं तो अभी हाल की भी घटना बता सकती हूं जहां पर पुलिस ने पीछा की जा रही थी महिला, एसिड थ्रोइंग का थ्रेट था, लेकिन बिल्कुल एक्शन नहीं लिए जब तक कि उन पर दबाव डाला गया एकदम ऊंचे स्तर पे, और तब भी जाकर के उसके बाद भी जिन्होंने मदद की, जिन सिटीजन ने, उनको डराने धमकाने की पुलिस ने कोशिश की, और जिस महिला शिकायतकर्ता थी उन पर भी दबाव डाला गया कि आप लिख करके दीजिए कि आपको पुलिस से शिकायत नहीं है, जो कि महिला को क्यों लिखना पड़ेगा, लेकिन यह भी करवाया गया है। तो मैं मानती हूं कि पुलिस के रवैये में तो एक ये दबाव एक तरह से लोगों पर आ रहा है कि आप पुलिस को इसमें लिखवाया गया। इस महिला जो शिकायतकर्ता थी, जिसकी देर से शिकायत दर्ज हुई, तो हम लोग जब दबाव बनाए तब किसी की सस्पेंशन हुई एसआई की वहां थाने में दिल्ली पुलिस के, लेकिन इस महिला को जिसने मदद की थी उनके घर पर रात में चार पुलिस वाले मौजूद हो गए, पहुंच गए और बोले कि चलो थाने में इंक्वायरी के लिए। वो बोला मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैंने तो बोला नहीं आपने नंबर क्यों दिया, मेरा नंबर किस महिला संगठन का नंबर इस महिला को क्यों दिया, और उस महिला को जो है उस महिला को ले गया, ले चला गया थाने। वही शुरू हो गई बात जमीन की, लोग जब सामने नहीं आएंगे क्योंकि जो हैरेसमेंट होता है उससे डरा जाता है। उम्मीद करते अगर अजय होते तो फिर तमाम सवालों के जवाब देते जो हम उनसे पूछना चाह रहे थे, तो वो स्थिति वैसी ही बनी हुई है। बिल्कुल वैसी है, और मैं मानती हूं तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाते। ये पुलिस लड़कियों के लिए डूज एंड डोंट्स बनाने के बजाय वो अपने लिए डूज एंड डोंट्स पुलिस के लिए बनाई जाए, पुलिस के लिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो पुलिस के अधिकारी पर कार्रवाई हो, और उन पर ही नहीं जो अधिकारी नहीं कर रहा है, बल्कि उनके इमीडिएट ऊपर जो ऑफिसर है कमांड स्ट्रक्चर में, उन पर भी कार्रवाई हो। अरिजीत रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एनजीओ से जुड़े हैं और पुलिस की मुहिम के साथ इन्होंने काम किया। अरिजीत, जमीन पर क्या कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि आप काफी अरसे से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 16 दिसंबर के हादसे के बाद कुछ जमीन पे आपको बदलाव नजर आया है? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये 2005 में भी दो केसेस हुए थे, एक श्री फोर्ट में एक्सप्रेस डिप्लोमैट के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ था, रेप हुआ था, और दो गर्ल्स थी नॉर्थ ईस्ट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी धौलकुआ में ये केस हुआ, और तभी भी ये बात निकली थी कि दिल्ली इज वेरी वेरी अनसेफ फॉर वुमेन। उसके बाद एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम है परिवर्तन। उन्होंने इसको देखा कि 97% केसेस जो थे उसमें जो आरोपी था वो जानकार था, और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो जितने केसेस 2005 में हुए 80% वो केसेस तीन पुलिस स्टेशन से शुरू हुए, मतलब कि लॉज हुए थे ये रिपोर्ट्स, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और जहांगीरपुरी। परिवर्तन उधर शुरू हुआ, उधर वुमेन बीट कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग मिली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, और उनको बीट कांस्टेबल्स बनाया गया। हमने करीबन उनके साथ 400 पूरे परिवर्तन पे जो एक मुहिम है, मैंने इस पे पूरा एक कार्यक्रम किया था और हमने ये चर्चा की थी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब मिस्टर हुड्डा इसकी अगुवाई कर रहे थे तो ये बहुत सफल थी, जब वो इससे हट गए तो बताया गया, जो हमने रिसर्च देखी, कि इसने एक तरह से काम करना बंद कर दिया, हालांकि जमीन पर अभी भी जारी है। मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि आज जिस तरह से मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर ने मुझे एक आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि पिछला जो 7 साल का रिकॉर्ड टूटा है रेप्स के मामलों का, 2012 में सबसे ज्यादा हुआ है 2005 के बाद। वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में वो आंकड़ा भी बताया कि किस तरह से 672 रेप के मामले दर्ज हुए, तमाम और हुए होंगे,
मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जिस तरह से अभी कविता बता रही थी कि वही हैरेसमेंट अगर आप जाते हैं, जिस तरह से जगमती जी बता रही थी कि पुलिस वालों पे खुद कार्रवाई नहीं होती, तो जमीन पर क्या कुछ आपको, आपका आकलन क्या है, क्या कुछ बदला है 16 दिसंबर के हादसे के बाद? जैसे मैडम कह रही थी कि नहीं, लोगों में जागृति आई है, लोग बात तो करना चाहते हैं, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर ये मॉडल अच्छा था तो इसको रेप्लिकेट करने के लिए जरूरी है, इसको बढ़ाने के लिए जरूरी है। अगर कल खाली सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, इन पुनर्वास इलाकों, दिल्ली के इलाकों में हम करेंगे, हमारे को और इधर सफलता हमें मिली है, तो क्यों नहीं इसको हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ये सवाल था। इस प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी भी आ रहा है, पॉजिटिव प्रोग्राम है, जनरेशन बिहेवियरल चेंज करना है, लोगों की सोच को बदलने के लिए एक महीना मेरे ख्याल से बहुत कम है, 9 साल 10 साल लगते हैं टू चेंज समबडीज व्यू पॉइंट। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन जी कविता, मैं बस एक चीज, मुझे लगता है, देखिए माइंडसेट बदलने के लिए आप, मैंने आप हम पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, पुलिस आकर के लोगों का मन बदल दें ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पुलिस अकाउंटेबल रहे ना, कि हमें जहां जरूरत है पुलिस की, पुलिस अपना काम करे। माइंडसेट बदलने का, लोगों का मन बदल रहा है तभी तो वो सड़कों पर भी उतरे हैं, वो तो चेंज चाह रहे हैं। अरिजीत, आप चेंज करना नहीं चाह रहे हैं क्या? इस मुहिम को अब रीमॉडल करना पड़ेगा, समय के हिसाब से जो चेंजेस आए हैं उसको इस मुहिम में शामिल करना पड़ेगा। क्यों आपकी मुहिम अब इतनी कमजोर हुई है, क्यों ये इतनी अब स्ट्रांग नहीं है? इसको डुप्लीकेट करना है, इसको रेप्लीकेट करना है। अगर हमने 400 परफॉर्मेंसेस किए हैं परिवर्तन के अंदर, तो हमने लोकलाइज एरियाज पे किए हैं और उधर हमें सफलता मिली है, वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग डाउन रेट। मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं कि जो परिवर्तन कैंपेन चलाई थी दिल्ली पुलिस ने, इसमें माइम आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया था, कई नुक्कड़ नाटक किए गए थे, महिला पुलिस जो अफसर थी वो स्कूल्स में जाती थी, कॉलेजेस में जाती थी, बच्चों से, लड़कियों से बात की जाती थी, तो एक ही बिल्कुल कनेक्शन और बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, बातचीत होती थी। लेकिन अब जी, लेकिन अब ये चीज को और बढ़ाने की आवश्यकता है मैडम। तो क्यों नहीं हो रहा, मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ, क्यों, क्या दिल्ली पुलिस का रवैया क्या है इस मुहिम के प्रति? आप तो ग्राउंड पे चला रहे हैं इसे, आपको क्या खामियां नजर आ रही हैं? मैं भी एक संस्था चलाता हूँ, मैं भी सिविल सोसाइटी से हूँ, मेरी एक एनजीओ जागरण, मैं यही मानता हूँ कि हमें इसको और फोर्स के साथ और इफेक्टिवली और इंक्लूसिव तरीके से, जैसे मैडम बैठी हैं, इनके सजेशंस लेके कम्युनिटी को नोट बनाना पड़ेगा। अगर आइसोलेशन में काम करेंगे तो हो नहीं सकता ये। जहां तक पुलिस रिफॉर्म की बात है, मैं पुलिस परिवर्तन समाज का करे, उससे अच्छा अपना परिवर्तन कर ले, वो बहुत तो, बड़ी चीज होगी। ये था कि पुलिस से भरोसा जीतना, ये एक तरह से वो बात थी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो आई विटनेस थे, जो उनके साथ थे, जो पीड़ित लड़की के साथ, उन्होंने बताया कि 45 मिनट वो लोग उस अवस्था में उस सड़क पे पड़े थे, 3 PCR वैन्स आई, किसी ने अटेंड नहीं किया। क्या इस पे पुलिस ने कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट किया? कुछ नहीं किया। उसका अगर कुछ रिजल्ट आता इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, अमन, क्योंकि पुलिस के अभी कोई है नहीं, ना ही दिल्ली सरकार का, मेरे साथ है, मैं आपसे बता रही हूँ, मैं पुलिस का रिस्पॉन्स नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस दिन ये भी सवाल उठा था अमन, कि किस तरह से हम आम नागरिक 50 करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने मदद नहीं की, आखिरकार जो पुलिस वाले थे उन्होंने जाकर बहुत घंटे के बाद किया। वो भी वैलिड पॉइंट है, आम नागरिकों को भी सामने आना चाहिए, खाली वहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगर किसी को लगता है कि कहीं पे कोई अन्याय हो रहा है तो उसी समय अपनी आवाज बुलंद करके उसको रोकना पड़ेगा। पर मैं कह रहा हूं, पुलिस की जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो उसमें अगर वो यही नहीं देखना चाह रही कि कहां पे लैप्सेस हुए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अजय आने वाले, उनसे ये पूछेंगे। अमन, आपसे, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट आप हमें समझा सकते हैं, इस पूरे मामले में 1 महीना हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि सब रेप के मामले एक जैसे होते हैं, बिहार में एक मामला था रेप का, मैं बार बार अपने कार्यक्रम में बताती हूँ, उसमें 2 दिन में सजा सुनाई गई, हाल में होशियारपुर में देखा 7 दिन में सजा सुनाई गई। इस मामले में भी सब चीजें हमारे सामने हैं, फिर भी ये मामला अभी भी नॉर्मल कोर्ट में, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया ही नहीं, क्यों? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाना चाहिए था, और जो लीनियंसी है या इंडिफरेंस, जो निराशाजनक एटीट्यूड है सरकार का या डिफेंस काउंसिल्स का, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा केस है जिसमें कि विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन है एक तरीके से। वो जब हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने कई बार राइटिंग में जो है अपने नोट्स लिख के दिए, क्या कैसे हुआ, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ।
इसके बाद एक आई विटनेस जो उनके साथ था वो है, कई लोग हैं उसमें से जो एक्यूज्ड हैं उनमें से लोग अप्रूवर बनने के लिए तैयार हैं, और काफी फोरेंसिक एविडेंस है, काफी इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजिकल एविडेंस मेरे ख्याल से चार्जशीट में वो सब आया है। तो अगर एक बार इस केस का ट्रायल शुरू होता है इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे अमन ये बताया गया कि ये चार्जशीट 1000 पन्नों की है और ये अंग्रेजी में, अब जो आरोपी पक्ष है वो कह रहा है हमें हिंदी में चाहिए, इसलिए डिले हो रहा है। लेकिन एक अपना प्रोसेस होता है, लेकिन क्या ये प्रोसेस कुछ ज्यादा बढ़ाया जा रहा है? कविता कैसे? मैं नहीं कहूंगा ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, कई केसेस में ऐसा होता है, पर ये एक ऐसा अपराध है, देखिए लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा, जुडिशरी को भी होना पड़ेगा, लॉयर्स को भी होना पड़ेगा, ये एक ऐसा अपराध है जिससे पूरे देश की कॉन्शियंस को झकझोरा है। तो इसमें आप एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा अपराध करेगा तो इतनी जल्दी और इतनी कड़ी सजा मिलेगी। कि मुझे ये लगता है कि आज जो समय है उस समय पे जो रिव्यू कर रहे हैं हम कि इस तरह की घटनाएं ना हो और हुई तो सजा मिले, उसमें जो पूरे देश के अंदर जैसे हरियाणा के अंदर 2 महीने में 42 केसेस जो उभर के आए, उनका आप प्रिवेंशन को छोड़ दीजिए, आप पनिशमेंट को छोड़ दीजिए, लेकिन जो विक्टिम्स है उनका जो रिहैबिलिटेशन का जो सवाल है निधि, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि पिछले 3 दिन तक हमने यहाँ पे जंतर मंतर पे जन सुनवाई की उन लोगों की, और हम मुख्यमंत्री, हम NCW, हम केंद्रीय मंत्री जो है, आप ये देखिए पूरे देश में उस पहलू पे आते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए किसी भी केस में हम तो चाहते हैं कि जल्दी न्याय हो, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि अगर आपने इफ यू कट कॉर्नर्स, अगर आपने जल्दबाजी की, आप समझिए कि ये और लंबा खींचेगा कि फिर वो अपील में जाएगी और उनकी अपील मजबूत हो जाएगी। अगर आपने उन्हें चार्जशीट हिंदी में नहीं दी, वो कह पाएंगे कि हमें या तो वकील नहीं मिले, हमें जल्दबाजी, मतलब हम कह रहे हैं कि बिल्कुल वर्षों खींचती हैं, महीनों खींचती हैं, ऐसा न हो, तेजी से हो, लेकिन हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमारे प्रोसेसेस बहुत जरूरी है, उनको चलना चाहिए। बहुत बेहतर। आपने इसके तहत भी जो है काम जल्दी से हो सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनता है इसी पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट होता है। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, बड़ी खबर में तुरंत लौटते हैं। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल 16 दिसंबर की जो घटना हुई उसके बाद से आज जमीनी स्थिति पर क्या बदला है। हमारे साथ अजय चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यहां पर मौजूद हैं। अजय जी, पुलिस का क्या आंकलन, क्या जो आम जनता से वादे किए गए थे या जो पुलिस से सवाल उठे थे उसको कुछ हद तक आप लोग जवाब दे पाए क्या? जी बिल्कुल, इस घटना के बाद से जो चीजें कही गई थी उन तमाम चीजों को अमल में लाया जा रहा है। हमने सबसे बड़ी चीज़ कही थी कि हमारी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी पुलिस की सड़कों के ऊपर, तो उसको हम पूरी तरह से इंश्योर कर रहे हैं। हमारी जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, जितनी भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, PCR की गाड़ियां हैं और टिंटेड ग्लासेस के अगेंस्ट जो हम ड्राइव चला रहे थे, वो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही है और उसका असर भी देखने में आ रहा है। विजिबिलिटी बढ़ गई है, 181 हेल्पलाइन शुरू हो गई है, कई बसेस चल रही हैं, उनमें होमगार्ड्स हैं, लेकिन जिस तरह से ज्यादा पेट्रोलिंग बाय पुलिस, महिला पुलिस इसमें लाई जाती है, 5% शायद आपने अपनी पुलिस का इसमें लगा दिया, लेकिन अभी भी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑन VIP सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा है। CCTVs को जो ज्यादा इंस्टॉल करने की मांग की गई थी, लगाए जाएं, वो अभी तक कुछ नहीं हुए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बजटरी प्रोविजंस होते हैं, पॉलिसी मैटर्स होते हैं, बड़े ह्यूज बजट्स होते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कुछ RWAs ने भी अपने इनिशिएटिव पर कुछ CCTV लगाना शुरू किया है, जैसे ग्रेटर कैलाश में RWA ने लगाया। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो महिलाओं की पुलिस की बात आप कर रही हैं, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, हम सभी को आज की इस स्थिति में हम सड़क पर लेकर आ रहे हैं, उनसे बस चेकिंग में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। महिला हेल्प डेस्क राउंड द क्लॉक हमने स्टार्ट की है। अजय जी, एक पुलिस का ये कहना था कि विजिबिलिटी बढ़ेगी, वो बढ़ गई है, लेकिन एक ये था पुलिस पर भरोसा कि पुलिस पे हम विश्वास कर सकें। अभी कविता ने एक ब्रेक से पहले एक इंस्टेंस बताया, अभी हाल में एक मामला हुआ उसमें फिर अगर आप रेप के मामले में जो एक व्यक्ति थे अपना नाम दर्ज कराने केस दर्ज कराने की कोशिश की गई, फिर पुलिस द्वारा उनको हैरेस किया जा रहा है, रात में 4 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं कि भाई पुलिस ये लिख के दीजिए कि इसमें पुलिस का कुछ वो नहीं था। तो अपने आप में वो जो अगर कोई हिम्मत करके किसी के साथ खड़ा होता है विटनेस, उसको जो हैरेसमेंट है पुलिस का, वो जो डर है वो अभी तक बना हुआ है। वो नहीं एक एक दृष्टांत से आप उसको मत मान के चलिए। मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात कर लीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं
कि इस घटना के बाद से कंप्लेंट्स की संख्या, शिकायतों की संख्या निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी बात सुनी जाएगी। और ज्यादा कंप्लेंट्स का आना और ज्यादा एक्शन का होना यह इंगित करता है, हो सकता है ये कहना कि बिल्कुल एक भी घटना ऐसी नहीं होगी, मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की, अब वो फोन करके बता रही हैं, अपने घर पे बता रही हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा सूचक है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और लोगों को अपनी समस्याएं हल करने में पुलिस की मदद मिल रही है। जो ये पड़ाव है, जो ये मुश्किल है कि लोग हैरेसमेंट से कॉन्फिडेंस जो जीतने का सवाल है, चाहूंगा चौधरी जी से, जो जीतना होता है उसमें तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी, जिन्होंने पहले भी इस तरह की कोताही की अपनी ड्यूटी के अंदर, अगर उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट कार्रवाई होगी, टाइमली होगी, तो एक संकेत जाता नीचे तक, जिसके ऊपर हमें नहीं लगता कि संतोषजनक स्थिति है। और इसी वजह से आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स के रिएक्शन रिस्पॉन्स जितने भी टीवी चैनल्स पे हैं, अगर आप उनका रिव्यू करवाएंगे तो सभी का ये है कि बिल्कुल हमें मतलब भरोसा नहीं है। एक बड़ी घटना जब होती है तो उसे लोगों का आत्मविश्वास सभी का हिलता है, और चूंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, सबको ये पता है कि अपराधी भी पकड़े गए, उसके बाद जो कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें हम एनजीओ का भी साथ ले रहे हैं, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन का भी मदद ले रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन भी कर रहे हैं, तो उस विश्वास को बनाने में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है। आप अकाउंटेबिलिटी अपनी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, समाज को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये आपने अच्छा किया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने टाइमली कंप्लीट की, वो एक अच्छा डेवलपमेंट, वो एक अच्छी चीज है, मैं उसको पुलिस को उसके लिए क्रेडिट देना चाहूंगा। पर आप ये देखिए कि जो आई विटनेस था, जो विक्टिम के साथ था, उसने कहा कि 45 मिनट तक वो लोग रोड पे पड़े रहे, 3 पीसीआर वैन्स आई, वो ज्यूरिसडिक्शन को लेके वो लोग आपस में डिस्प्यूट करते रहे। वो अगर उस समय विक्टिम को अस्पताल ले जाया जाता, ज्यूरिसडिक्शन पे डिस्प्यूट ना किया जाता, तो शायद उसकी लाइफ का किसी भी इंसिडेंट नहीं, आपने किसी भी इंसिडेंट के बाद ये कहना कोई इंस्टीट्यूट की है, बस दिल्ली क्राइम क्राइम ब्रांच की तमाम जांच हो रही है उसमें, और तमाम कमीशन भी अपॉइंट हुए हैं, तमाम जांच की जा रही है, एक्शन भी लिया गया है। लेकिन ये कहना कि किसी पोस्टमार्टम एनालिसिस में कि ये होता तो क्या होता, एक अलग चीज है। आज की तारीख में हम जो बात कर रहे हैं, ये तो मेडिकली एस्टैब्लिश है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कोई मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट किया है ताकि अगर आगे से ऐसे मामले आए तो पुलिस वाले इस तरह की कोताही ना बरतें। ज्यूरिसडिक्शन पे बिल्कुल जानकारी गए हैं, बिल्कुल ज्यूरिसडिक्शन के ग्राउंड पे कोई एफआईआर रजिस्टर या कोई ऐसा कानून नहीं है, बिल्कुल क्योंकि रोकता है कि आप इस थाने में ज्यूरिसडिक्शन इस थाने में एफआईआर नहीं लॉन्च कर सकते, तभी पुलिस वाले जो है वो जागे। मैं जो बात कर रहा हूँ, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सब भी इशूड, सीधी सीधी बात कह दी गई है कि ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि कानून ही नहीं है। और चौधरी साहब, इसमें ये मुझे अक्सर ये मत बताइए, मुझे एक बात डिस्कशन नहीं, मैं एक बात पूछू आपसे, मेरा अपना अनुभव आपको मैं बता रही हूँ दिल्ली में, कि यही ज्यूरिसडिक्शन वाली बात ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से इंस्ट्रक्शन है, दिस इज नॉट अ न्यू इंस्ट्रक्शन, ये बहुत पहले से इंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसके बावजूद जब भी हम कोई केस लेकर के जाते हैं, इस चीज को कौन कंटेस्ट कर रहा है, जब भी कोई केस लेकर के जाते ग्राउंड रियलिटी तो है कि ऐसा ही होता है, इनेविटेबली ज्यूरिसडिक्शन की बात आती ही है दिल्ली में, ये आज की बात नहीं है, ग्राउंड रियलिटी तो आप नहीं बदल सकते। क्या इसमें अगर विचार कार्रवाई क्या पुलिस, ठीक है, अगर दो लोगों ने ये बात उठाई, ज्यूरिसडिक्शन की बात उठाई, और उस दिन की एक विटनेस ने भी बोला, लेकिन क्या इस पे क्या इंट्रोस्पेक्ट किया जा सकता है, क्या पुलिस इस पे गौर कर सकती है, अब तक ना किया हो लेकिन क्या आप कर सकती है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस तरह का कोई भी विवाद, सीमा का विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो भी कंप्लेनेंट है उसकी जो शिकायत है, तो ये उसको हैंडल किया जाए और उसको सांत्वना दी जाए कि ये आगे भी रहेगा, एज इट इज इवन नाउ। मैं कह रही ये इंस्ट्रक्शन जो ना माने, ये इंस्ट्रक्शन जो ना माने तो क्या, जब तक आप कार्रवाई की जाएगी नहीं, जब तक आप कितना एक्चुअली किसी का हादसा ना हो, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्यों हादसा होगा, जब कहां कार्रवाई की, आप तो कमीशन की इंक्वायरी का इंतजार कर रहे हैं। आपकी पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की उस पर जो माननीय हाईकोर्ट ने जो मतलब लताड़ पिलाही, मतलब आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, वो उसी से स्पष्ट है, कार्रवाई तो आप लोग कर ही नहीं रहे, कोई संकेत नहीं जा रहा नीचे कि किसी तरह से भी आगे से अगर किसी ने ऐसा किया तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये आपका मत हो सकता है कि कोई संदेश नहीं जा रहा, हमारा मत नहीं है, हम पूरा संदेश जा रहा है, जब मैं ये काम करते हैं, हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं, जो विक्टिम्स है हम लोग भी आपके साथ काम करते हैं, और उनके साथ क्या गुजर रही है, मतलब लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह का जीवन इस देश में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है उनको, वो सारा झेल रहे हैं, हम उस अनुभव से बोल रहे हैं। और एक हम काम करते हैं, आप लोगों का जो विभाग है, देखिए आप पर्सनली
इसको ना लें, लेकिन संकेत ऐसा बिल्कुल नहीं जा रहा है कि आगे से बख्शा नहीं जाएगा किसी अपराधी को। वो करने की जरूरत है, बिल्कुल संकेत जा रहा है। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे बात शुरू करने से पहले ही आपको ऑब्जेक्शन है, तो फिर तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की शिकायत करने वाले लोगों की तादाद अगर बढ़ रही है, तो क्या ये इंडिकेट नहीं करता कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है? सर ये भी है कि लोगों में अपने आप में एक उनमें एक चेतना आई है कि नहीं हमें अब लड़ रहे हैं, चेतना तो लाने की जरूरत है और उसको हमें एनकरेज करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिकायत करें। नहीं, इसके बाद और सामने आई है चेतना, पहले लेकिन पहले उदाहरण दे रहे, लानी पड़ेगी और सिस्टम को भी बिल्कुल लाना पड़ेगा अपने आप। खाली चेतना लाने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चेतना के बल पे सिस्टम को डेवलप करके इम्प्रूव ना किया जाए, खाली चेतना लाने से कुछ नहीं होगा। ये मामला लोग कई मुझे सवाल आए थे लोगों के, ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं पहुंचा। हमने ब्रेक से पहले बता दिया कि उन्होंने हिंदी में इसकी जो चाहते थे जो चार्जशीट की, क्या उनको हिंदी में, जो आरोपियों के वकील हैं क्या उनको हिंदी में उपलब्ध करा दी गई है? और आप लोगों को कब तक उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा? जी, हिंदी में उसका अनुवाद उपलब्ध करा दिया गया है और जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को किसी भी डेमोक्रेसी में बाईपास नहीं किया जा सकता। सबके इरादे अच्छे हैं, सब चाहते हैं कि इस चीज में सुधार हो और मैं समझता हूँ शायद कल से ये चीज एक्टिवेट हो जाएगी, फास्ट ट्रैक अपना काम शुरू कर देगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कल से ये शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है? जी। अच्छा, तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा कदम हम मान सकते हैं। दूसरी बात जो और तमाम अगर हम कहें, एक तरफ ये था कि पुलिस जो हैरेसमेंट ना हो, उसमें आप कह रहे हैं हैरेसमेंट नहीं होगा, ज्यूरिसडिक्शन की हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन जो कुछ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे, वो अपने आप में अभी तक पूरे नहीं हुए, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, आपने बताया क्या कारण उसके पीछे हम देख रहे हैं समय? नहीं, जैसे सीसीटीवी इतना बड़ा शहर है, इस शहर की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आपको एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि इतने कैमरे, उसकी टेक्निकल स्टडीज होती हैं, टेक्निकल टीम्स होती हैं, वो एनालिसिस करके बताती हैं कि साहब यहाँ इतने कैमरे लगाए जाने चाहिए, इन कैमरे की इतनी कॉस्ट होगी, उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं कि आज मैं सोचूं और मार्केट से जाकर खरीद के और लगा दूँ। सरकारी जो खरीद फरोख्त के नियम हैं, सीवीसी गाइडलाइंस हैं, तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा हमें शायद इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत गंभीरता से इस पर विचार हो रहा है और बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा दिल्ली का हिस्सा सीसीटीवी कवरेज में होगा। सीसीटीवी के कैमरे की बात प्रॉब्लम है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरा यह अनुरोध रहेगा पुलिस से कि एक परफेक्ट सिस्टम बनाने के लिए आप तैयारी मत करिए, अभी जितना है इंफ्रास्ट्रक्चर उसी को लेके चलें जो इंप्लीमेंट हो सकता है और धीरे धीरे उस पर डेवलप किया जाएगा। पर ये एक परफेक्ट सिस्टम बनाने की चाहत में सब चीजें डिलेड रहेंगी या कोई पेंडिंग रहेगा, वो भी जो है वो ठीक नहीं है। जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली, वहां पे करिए। अगर हम लोग एक दो किसी की भी लाइफ या किसी को भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको डिग्निटी दे सकते हैं, तो करना चाहिए। एक और मेरा अनुरोध है, दिल्ली देश की राजधानी, वहां एक भी फोरेंसिक लैब नहीं है। यहां पे कोई क्राइम कमिट होता है, चौधरी की मेरी बात समझिए, आप लोगों की खुद की फोरेंसिक लैब डिमांड थी, आप लोगों की उस पर कुछ गर्मा गर्मी हुई, उस पर कुछ बात हुई, आश्वासन उस पर भी नहीं? नहीं, बिल्कुल वो है, प्रोसेस में है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद दिल्ली में 3 लैब्स को स्थापित करने के प्रयास पहले ही शुरू हो गए। अच्छा, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम सर? नहीं, टाइम फ्रेम मैं डिसाइड नहीं कर सकता, उसमें एक बिल्डिंग बननी होगी तो बिल्डिंग बनने में जो टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, ये पहले से भी विचार चल रहा है, सुरक्षा को लेकर कोई नहीं था, ये बात तो आप मानेंगे, अभी तक कोई सभी का अगर टाइम फ्रेम हम देखेंगे उसमें जो अभी अजय भी कह रहे थे कि बजट जो है जबकि ओवर ड्यू है वो चीजें, फॉर एग्जाम्पल जो रिहेबिलिटेशन का सवाल जो मैं उठा रही थी उसमें 93 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी एनसीडब्ल्यू को, विमेन डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट को, कि आप रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म इवॉल्व करें, एक पॉलिसी बनाए। वो पॉलिसी बनाई नहीं थी 93 का सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, सेंटर ने बनाई, स्टेट ने बनाई, उसका आज तक इंप्लीमेंटेशन नहीं है, 20 साल हो गए। और क्या बहाना क्या है कि हमारे पास बजट नहीं है, सेंटर कह रहा है कि स्टेट लागू करे, स्टेट कह रहे कि सेंटर लागू करे, जो इमीडिएटली किया जा सकता है वो परिवार जो दलित परिवार है, जो गरीब परिवार है, जिनके ऊपर इतनी बड़ी मतलब रिहैबिलिटेशन को लेकर क्यों हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए? रिहैबिलिटेशन की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि जो दिल्ली पुलिस के और दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन का RCIC है, रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर है, उनमें तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। और जहां तक अगर बजट की बात है और तो सरकार उस पर भी विचार करेगी, मैं समझता हूं जल्दी से जल्दी इस रिहैबिलिटेशन के एंगल पर भी काम जरूर शुरू किया जाना चाहिए।
हाँ, आप भी कह रहे कि काम जरूर शुरू किया जाना चाहिए। हमारे साथ अरिजीत रॉय मौजूद हैं जो कि दिल्ली पुलिस की कुछ कैंपेन्स के साथ जुड़े रहे हैं, जागरण से हैं, जो परिवर्तन एक कैंपेन एक समय में शुरू हुई थी, उनसे हमने पहले ये पूछा था। अरिजीत, आप कुछ अजय से सवाल पूछना चाहेंगे? आप कह रहे थे कि पुलिस को इसको और अच्छी तरह मजबूती से इच्छा शक्ति की जरूरत है, कुछ सवाल है आपके पास अजय के लिए? अजय जी को तो मैं जानता हूं, अजय जी के साथ भी मैंने जयपुर में बहुत शोज किए हैं और मैं उनसे सहमत भी हूं, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो इन्वॉल्वमेंट हम कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू लाना चाहते हैं सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में, ऐसे इंक्लूसिव प्रोग्राम्स को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है। सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि स्कूलों से शुरू होना चाहिए ये सारी चीजें। मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एनजीओ के साथ है और मैं कम्युनिटी के साथ काफी सालों से काम कर रहा हूँ, मैडम एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर इस सिचुएशन को अगले 10 इयर्स में आपको कंट्रोल करना है तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्रिवेंशन की बनानी पड़ेंगी, उसमें कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बिना इश्यूज लाइक दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। वी हैव टू लुक एट जनरेशन, हाउ वी लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। एब्सोल्युटली अरिजीत, ठीक सर जी। अरिजीत साहब, आपने कहा कि हमने आपके साथ मिलकर कई सारे प्रोग्राम किए हैं जयपुर के इलाके में, मिसिंग चिल्ड्रन को लेकर, डी एडिक्शन को लेकर, महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर। मैं एक चीज, अब चूंकि इस चैनल में हम लोग बैठे हैं और तमाम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स जिनमें कम से कम 5,000 लोग आते थे, किसी चैनल ने उसको दिखाने के लिए हाथ जोड़ते रहे, हम लोग कोई आया? तो तमाम चीजें जो कम्युनिकेशन की बात कह रहे हैं आप, अच्छे एनजीओ हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन चीजों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल्स भी उसको प्रोमिनेंटली हाईलाइट करें, लोगों को बताएं कि क्या क्या अच्छी चीजें हो रही हैं। ठीक है, करना ही चाहिए, पर चैनल्स बाकी प्रोग्राम तो दिखाई रहे। बिल्कुल, हमने परिवर्तन की मुहिम को एक पूरा शो करा था, उसे मिस्टर लूथरा आए थे आप ही थे। सर एक बात मुझे आपसे और भी जानने, आखिर में समय नहीं है, जीपीएस को इंस्टॉल करने की बात की गई, बहुत छोटा सा पहलू, एक बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन वो भी अभी उस पर विचार ही हो रहा है, कहां पे पहुंचा? नहीं, जीपीएस तो बहुत ही एक बहुत जरूरी है, खासतौर से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके अंदर, और विशेष तौर पर जो टीएसआर, बिल्कुल टीएसआर की यूनियंस उसका विरोध कर रहे थे, इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ये जनता के हित में है। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी जीपीएस सिस्टम तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जरूर आएगा। ठीक है, आप सभी आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही है बड़ी खबर में। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि 16 दिसंबर के हादसे के बाद जमीन पर क्या बदला है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, हम तुरंत लौटेंगे और एक दिल्ली की जो पुलिस अधिकारी हैं वो किस तरह से अपना काम रात में कर रही हैं वो आपको दिखाते हैं। खास रिपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ। सोलह दिसंबर को हुए गैंगरेप के एक महीने बाद सवाल यह है कि कितनी बदली है दिल्ली की सुरक्षा। खुद महिला पुलिसकर्मी इस मसले को कैसे देखती हैं? दिल्ली पुलिस की एक एसीपी की नाइट पेट्रोलिंग का जायजा लिया हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने। ठीक एक महीने पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उस जाबाज लड़की ने लड़ी एक तीखी लड़ाई। उस वहशी गैंगरेप के बाद कितनी बदली दिल्ली। काफी कुछ बदला है दिल्ली में, लेकिन अभी भी काफी कुछ बदलने की भी जरूरत है। अब दिल्ली के हर एक थाने के हर एक रिपोर्टिंग रूम में एक महिला 24 घंटे तैनात रहेगी। सुधार जो है ये सिर्फ पुलिस की, प्रशासन की और स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। कितने बदले दिल्ली वाले, कितने बदले हम, बस और नहीं। दिन भर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस अलग अलग तरह की अपनी ड्यूटी करती है। इस वक्त हम डिफेंस कॉलोनी के थाने में हैं, यहाँ पर एसीपी डिफेंस कॉलोनी है विनीता, जो हमें अब अपने इलाके के दौरे में ले जाएंगी और दिखाएंगी कि किस तरह से नाइट पेट्रोलिंग उनके इलाके में की जाती है। साउथ ईस्ट की तरफ लेके, उसके नीचे से लेफ्ट लेके सिरी फोर्ट के। ये 27 साल की बेनेटा है, डिफेंस कॉलोनी की एसीपी। ये इनकी पहली पोस्टिंग है।
हाल के गैंग रेप के बाद इन्होंने पीड़िता के साथ काफी वक्त गुजारा। भले ये आला पुलिस ऑफिसर हों, लेकिन इनके माँ बाप को हर वक्त इनकी चिंता सताती है। यूनिफॉर्म पर्सनल, घर से चिंता रहती होगी कब आ रही हो, कब जा रही हो, इस तरह के फोन कॉल अभी आते हैं। Absolutely, it's very natural for our parents to feel concerned, and rightly so. But thankfully, my uniform protects me. आजकल हर रात 8 से 12 बजे तक सभी गैजेटेड ऑफिसर्स को सड़क पर तैनात रहना होता है। ये आदेश पुलिस कमिश्नर का है, इसलिए बेनेटा भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। पहला स्टॉप गार्गी कॉलेज। यहाँ से निकलकर अब हम कोटला मुबारकपुर के इस नाके पर आए हैं। क्या करने आए यहाँ पर? डॉक्यूमेंट चेक करो, लाइसेंस अर्जी करो। सख्त हिदायत है कि स्कूटर पर पीछे एक से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकती। पास ही शराब की दुकान है, यहाँ पुलिस की मौजूदगी ही लोगों को परहेज करवाती है। पुलिस को निर्देश है कि वो अपने इलाकों में रैंडम चेकिंग करे। अब हम पहुँचे सादिक नगर के पास। ये सड़क सुनसान है, ऐसी ही सड़कें मुजरिम अपराध के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन इलाकों में पुलिस की तैनाती बहुत अहम है। जैसे यहाँ एक पिकेट लगाने से इस रोड पर पब्लिक, चाहे गाड़ियाँ हो या चलती हुई आदमी हो, उनकी मूवमेंट बहुत कम रहती है, और रात होते होते और बिल्कुल कम हो जाएगी। यहाँ पे पार्क है, इस साइड भी जंगल सा इलाका है, तो इतनी मूवमेंट नहीं रहती है, इसलिए इस एरिया को, पूरी स्ट्रेच को सिक्योर ये पिकेट करता है। आगे बारापुला की ओर जाती ये सड़क काफी चौड़ी है, इसकी अपनी मुश्किलें हैं। क्या नाम है आपका? कौन कौन है स्टाफ यहाँ पे ड्यूटी पर? कितनी गाड़ियों की चेकिंग की? 9 गाड़ियों की। एक इंस्पेक्टर, एक अपर और कितने कॉन्स्टेबल्स? कॉन्स्टेबल दो सर। दो कॉन्स्टेबल, ठीक है। कोई सस्पिशियस आदमी दिखे तो आपको क्या दिखे? अगर बिल्कुल ही लगेगा, इंस्टेंटली लगेगा, तो उसको अपने कंट्रोल में करेंगे, ठीक है। और जैसे बाहर निकालेंगे, हाँ, और जो भी आप और साथ में बैठा होगा उसको अपना स्टाफ पूरा कवर करेगा, सबको कंट्रोल। जब आप चेक करोगे तो असले वाले आप कवर दोगे, ठीक है। गाड़ी जब चेकिंग करेंगे ये ना, तो आप अलर्ट रह के कवर देंगे। सस्पिशियस है तो चेक करो, चाहे वो बस हो चेक करना, ट्रक हो चेक करना, टू व्हीलर चेक करना, गाड़ी चेक करना, रैंडमली उसके डिक्की वगैरह भी चेक कर लेना, ठीक है। ये उतरे हुए टेंट बता रहे हैं कि पुलिस ने हाल में चौकसी और सख्ती कितनी बढ़ा दी है। जैसे हम कोटला एरिया से इस साइड को ट्रैवल कर रहे थे, आपने देखा कि ये पूरा रोड बिल्कुल चौड़ा, बिल्कुल लोनली सा, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच। तो इस यहाँ पर इतनी रात को भी आप देख रहे हैं कि कितनी ट्रैफिक है ना। तो लोग न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट आते जाते हुए, कोटला से लोधी कॉलोनी आते हुए, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ आपके पास होती है। तो क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी सड़क है, ओवर स्पीडिंग के चांसेस रहते हैं, ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, सो वी टेक एक्शन अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग ऑल्सो, एंड जो ओवर स्पीड करते हैं, प्लस जिनके टिंटेड शीशे हैं उनको उतरवाते हैं। खास नजर बीपीओ की गाड़ियों पर रहती है। जैसे ये गाड़ियाँ जब चेक करते हैं, तो वेदर बीपीओ गाड़ी हो अदरवाइज हो, तो डिक्की से लेके इनके ड्राइवर के लाइसेंस से लेके उनके आरसी पूरा चेक करते हैं, कहाँ रहते हैं, अगर ओनर कोई और है तो उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर भी डाउटफुल हुआ तो हम थाने ले जाके हम बीपीओ के जो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स होते हैं, उनके लिए किस तरह के, उनकी हम प्रॉपर ये करते हैं कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, आई कार्ड है कि नहीं, जिस बीपीओ का वो काम करते हैं। साई बाबा मंदिर से होते हुए अब हम पहुंचे इंडियन हैबिटेट सेंटर। कुछ ऐसे लोग मिले जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते।
कहाँ निकालो? ये डिफेंस कॉलोनी मार्केट है, इसका एनक्रोचमेंट का क्या हाल है? साउथ दिल्ली की एक पॉश मार्केट, यहाँ 14 पब्स हैं। ये वाला कौन सा पब था जो हमने उसको बंद किया था? मोका। मोका ना? मोका एक दिन रात को खुला हुआ था, तो खुला हुआ मीन थोड़ा लेट टाइप। हाँ, मोइट। वो वाला पब कौन सा था पीछे? रॉकफेलर एक पब है उस साइड में, उसने पब्लिकली एडवर्टाइज कर दिया कि वी आर ओपन टिल 2 AM, बल्कि उसका टाइमिंग है 1 AM। तो वी लाइक ओके, लेट्स सी हु इज पब्लिकली एडवर्टाइजिंग। सो वन फाइन डे आई वेंट होम एंड जस्ट लाइक दैट एट 1:45 इन द नाइट आई केम बैक एंड इट वॉज ओपन। वी टुक द अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन एंड ही स्टॉप। कितने बजे बंद करते हो? 12 बजे क्लोजिंग हो जाता। पक्का दोबारा तो नहीं मिलेगा मुझे खुला हुआ? अब तो नहीं एडवर्टाइजमेंट देते हो ना कि 2 बजे तक खुला रहता है? ठीक है, अब बोलने का मौका ही मत दो, अब बंद किया करो। ठीक है, बाई 12:15-12:30 आप कस्टमर्स को भी सर्व करना छोड़ दो, कीप क्लोजिंग इट। एरिया के अंदर बेनेटा को ACP बने हुए बस 3 से 4 महीने ही हुए हैं। काम कैसे किया जाए इसके लिए उनका जज्बा और जुनून देखते ही बनता है। कैसे हो? नहीं अरे अब आइए ना, अभी काम पर है। इंसिडेंट को हमें एक बिल्कुल एक लर्निंग एंड एजुकेटिव वे में लेना चाहिए, चाहे वो सिटीजन के लिए हो चाहे वो पुलिस के लिए हो। यही नहीं, लोकल पुलिस को PCR से भी सूचनाएं मिलती रहती हैं। कॉल आई है कि 4 लड़के एक लड़की को गाड़ी में किडनैप कर फरार हो गए। 3 लड़के हैं, मैं एक लड़की को लेकर उठा के भाग गई इस गाड़ी। चलो ट्रैक कर लेंगे इसको। बेनिटा एक बार फिर अपने काम में जुट गए हैं। उनका तो रोज का यही काम है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ट्रैक कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पुलिस वाले अपने काम में लगे रहें। तो इसी के साथ आज बड़ी खबर में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।